तो आज हम लोग भैरवकुंडा भूटान पहाड़ का सामने ही है, उधर में आया है। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही सुंदर सुंदर जगह है। हम लोग ड्यूटी करने के लिए आए थे, लेकिन आज तो ईद है, तो मेरा तरफ से ईद का हार्दिक शुभकामना है सबको। आप लोग देख सकते हैं इधर में हम लोग भैरवकुंडा आया, बहुत सुंदर है। इधर का जो प्राकृतिक परिवेश है बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनमोहित दृश्य है इधर का। उसको आप भैरवकुंडा बोलते हैं। इधर इससे ऊपर जाओगे तो भूटान मिलेगा। तो अभी हम लोग थोड़ा पानी का एंजॉय ले रहे हैं। ये भूटान का पानी देख रहे हो आप, इतना भी सफा नहीं है, थोड़ा सा घुला घुला है, क्योंकि भूटान पहाड़ी इलाका है। तो उधर से जो ज़मीन है वो पानी के साथ बह के मतलब पानी ऐसे कलर हो जा रहा है। लेकिन आगे हम लोग देखे थे उधर में पानी सफ़ा था, अरुणाचल प्रदेश का पानी आ रहा था, उधर का पानी क्लीन है। लेकिन भूटान से जब पानी आता है थोड़ा ऐसे ऐसे घुला होता रहता है पानी। और हम लोग ऐसे ड्यूटी के टाइम में, ड्यूटी के लिए ड्यूटी तो करना ही है लाइफ में, और ड्यूटी के साथ हम लोग ड्यूटी भी कैसे करें और साथ में एंजॉय भी कैसे करें, यही सब CSM हम लोग को सिखाता है। इसलिए कभी भी ड्यूटी टाइम में खुद को मतलब नैरो माइंड नहीं होना चाहिए, नेगेटिव थॉट से लेना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग काम करते खुद के लिए करते हैं, खुद को कुछ मिलेगा, उसी हिसाब से काम करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो देखते रहिए हम लोग का वीडियो, आगे भी हम लोग दिखाएंगे, डेमोन्स्ट्रेशन भी करेंगे साथ में। और हम लोग बहुत सारा टीम आया है, सभी लोग नहाएगा, उसका वीडियो भी आपको दिखाएंगे। बने रहिए इस वीडियो में। थैंक यू। अभी हम लोग जा रहे हैं, हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए, पिकनिक भी हो गया, एंजॉय भी हो गया, खाना भी खा लिए। अभी हम लोग जाएंगे आगे डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए। बने रहिए आप लोग। थैंक यू।